तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में 200 सभाएं पूरी करने का जश्न केक काटकर मनाया, जिस पर सियासी पारा भी चढ़ गया। तेजस्वी ने यह केक हेलीकॉप्टर में काटा और फिर सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया। इस दौरान आरजेडी के सहयोगी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके साथ मौजूद थे। और ये केक मुकेश सहनी ही लेकर आए और तेजस्वी यादव को सरप्राइज दिया। हम लोगों का 200 सभा आज होना है। केक काटने से पहले मुकेश सहनी ने तेजस्वी को बताया कि बिहार में तेजस्वी ने 200 सभाएं पूरी कर ली और ये जश्न इसी बात का है। इस पर तेजस्वी ने मजाक में विरोधियों पर तंज कसा और बोल दिया कि मुकेश सहनी के सरप्राइज से विरोधियों को मिर्ची लग सकती है। आज सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। दोनों नेताओं ने थोड़ी बातचीत के बाद हेलीकॉप्टर में ही केक काटा और चुनाव में 200 सभाएं पूरी करने का जश्न मनाया और जश्न के साथ साथ विरोधियों पर तंज कस डाला। इसके बाद तेजस्वी यादव के हमले का एनडीए की ओर से चिराग पासवान ने जवाब दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने इस वीडियो में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर डाला और हेलीकॉप्टर के अंदर एक दूसरे को केक खिलाते हुए एनडीए पर हमला किया। मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग का सरकार बनना है। इसके बाद तेजस्वी यादव के इन हमलों का जवाब देने के लिए चिराग पासवान सामने आए। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के इसी तरह के कुछ वीडियो कुछ दिन पहले भी आए थे। एक वीडियो में दोनों नेता हेलीकॉप्टर के अंदर मछली खाते दिखे थे। इसके बाद आए एक वीडियो में दोनों नेता हेलीकॉप्टर में बैठकर संतरा खाते नजर आए और हेलीकॉप्टर में बैठकर केक काटने और खाने का ये उनका तीसरा वीडियो। ये वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि 20 दिनों तक कमर दर्द के बावजूद 200 चुनावी सभाओं का दोहरा शतक पूरा हो गया। यानी तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भावुक बयान भी दिया और उस वक्त का जिक्र कर दिया जब वो कमर दर्द से जूझ रहे थे और व्हीलचेयर पर बैठकर चुनावी सभाएं कर रहे थे। एक चुनावी सभा में तो उन्होंने लोगों के सामने अपनी कमर में बंधी बेल्ट दिखाई भी थी और अपनी 200 सभाएं पूरी होने का जश्न मनाते हुए उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसके साथ उन्होंने उसी कमर दर्द का जिक्र किया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कमर का दर्द इतना बढ़ गया था कि पटना में उन्हें MRI स्कैन करवाना पड़ गया था। लेकिन तेजस्वी ने अपनी सभाएं नहीं रोकी और 200 सभाएं पूरी की और इसका जश्न मनाते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। इसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई।